उन्नाव कोतवाली अजगैन में एक महिला ने वर्दी पर लगाया आरोप। महिला ने बताया जगैन कोतवाली के एक सिपाही ने की उसके साथ मारपीट। पूरा मामला है अजगैन कोतवाली क्षेत्र मुर्तजा नगर का, जहां एक महिला ने रविवार को कोतवाली पहुंच के कोतवाली के एक सिपाही पर पैसे की मांग करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही थाने में शिकायत और लिखित पत्र भी दे दिया है। अब देखना यह होगा कि वर्दी पर लगे इस आरोप पर आगे क्या कार्रवाई होगी। मैं नहीं आऊँगा रोको ना, हम पानी पियाई तो हमारी बहन नहीं चले लगी कि पानी हम चलो छो पियाई माता चल औसड़ी कहाँ दीवाने। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हमका नहीं पता, मगर आए अजगैन थाने में। क्या है वो? अजगैन थाने में दीवान मुर्तजा नगर का हल्का बेचा है। अच्छा। और वो हम रोड पर गिरा गिरा हमका मारे लग, हम हमसे कौनो मतलब नहीं है। कह रहा माता जो फीस उठाने हजार रुपया सबन से मांगा छह टूर से। कौन मांगता पैसा? वहाँ दीवान मांगे थे 2000 रुपया मांगे थे, जब भी नहीं दी हम कहा हमारी बहनी कह रहे कैसे दे 500 रुपया खा ली हम तीन कहीं दे रहा हूँ अपनी बहनी कह रहे तुम्हारे पास दवाई दवा पहनी। उन्नाव से रितेश कुमार की रिपोर्ट। एटा आवागढ़ भारतीय किसान यूनियन किसान कार्यकर्ताओं के द्वारा विगत 5 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव शिवप्रताप सिंह अंशु ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रशासन की ओर से कोई सटीक कार्रवाई न होती देख विद्युत उपकेंद्र आवागढ़ पर किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 9 फरवरी को 50 गांवों के प्रतिनिधियों और किसान कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर विशाल समूह के साथ कलेक्ट्रेट एटा के लिए पैदल मार्च करेंगे। से कोई उचित कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, तो हमने कल यहां पर तकरीबन 50-60 गांव के लोगों की जो जनप्रतिनिधि हैं और जो वहाँ के अपने कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग रखी है, और परसों हम उसमें गांव गांव जाकर रणनीति तैयार करेंगे और 11 तारीख को यहां पर आवागढ़ बिजली घर पर एक महापंचायत होगी। उसके बाद हमने एक समय जो रखा है कि जिला मुख्यालय एटा का घेराव करेंगे, पैदल मार्च करेंगे यहाँ से। उसके बाद 12 तारीख से भूख हड़ताल होगी। भूख हड़ताल पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं खुद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी कई लोग यहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है तो ज़रूरत पड़ने पर आगरा के जो एमडी ऑफिस है एमडी ऑफिस तक के लिए पैदल मार्च किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन को नींद से जगाने के लिए अब धमाका करने की आवश्यकता है। एटा से राघवेंद्र करिया की रिपोर्ट।